हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास इन्फिनिक्स का हॉट 9 मोबाइल है? जी गाइस, अगर आपके पास इन्फिनिक्स का हॉट 9 मोबाइल और आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम हो रही है, हमारा मोबाइल है काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा है। तो गाइस, यहाँ पर अगर आपका भी डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपके डिवाइस की चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। एंड गाइस, यहाँ पर आपका डिवाइस कैसे भी करके स्लो चार्ज हो रहा हो, किसी किसी भाई का सवाल है, हमने मोबाइल को जब से अपडेट है तब से स्लो चार्ज हो रहा है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमने मोबाइल को जितना ओल्ड होता जा रहा है ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड डाउन होती जा रही है, हम अपने मोबाइल को कैसे फास्ट चार्ज करें। किसी किसी भाई का सवाल है, जब भी हम मोबाइल को यूज करने के बाद चार्ज भी लगाते हैं तो चार्ज ही नहीं होता है। तो गाइस, यहां पर आपके डिवाइस में चार्जिंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है 100% फिक्स हो जाएगी। आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले हम नॉर्मल ट्रिक की बात करेंगे, उसके बाद आपको एक से एक हैवी सेटिंग बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कि यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहते हैं कि ऑफ रहते हैं। क्योंकि गाइस, यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो इन तीनों चीज़ों को आपको ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। जैसे आप किसी की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऐसे ही आपका वाईफाई, ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और ये आपके डिवाइस की चार्जिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देते हैं, क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं, जिसकी वजह से आपका डिवाइस की चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आपका मोबाइल का डाटा ऑन होने से आपका पूरा मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन हो जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं और आपकी बैटरी भी साथ ही साथ ड्रेन होती है और आपका बैटरी बैकअप भी खराब हो जाता है और आपका डिवाइस चार्ज तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका डाटा ऑन होने से आपका पूरा मोबाइल ऑनलाइन है, रन कर रहा है, नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं, साथ ही साथ बैटरी ड्रेन हो रही है। तो हमेशा आपको डाटा को ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है, कितनी भी इमरजेंसी हो। एंड गाइस, यहाँ पर आपको कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल में सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह जो भी चलाते हैं, वो क्या करते हैं, मोबाइल को लॉक करके चार्ज पे लगा देते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप मोबाइल को, जैसे मान लीजिए मैं सारे एप्लीकेशन खोल देता हूँ, ये मैंने यूज किया सुबह से लेकर शाम तक, अब आपको क्या करना है, मोबाइल को चार्ज पे लगाना है तो रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या करेगा, आपके बैकग्राउंड में खुले रह जाते हैं और आपकी चार्जिंग स्पीड को डाउन कर देते हैं, सबसे पहली बात। तो हमेशा आपको ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, जो भी चीज़ आपने यूज की है बैकग्राउंड से उसे निकाल देना है, ताकि वो रन ना करे, चार्जिंग पर ही फोकस रहे। एंड कहीं यहाँ पर किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड है डाउन होती जा रही है। सबसे पहली बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपका डिवाइस जितना ओल्ड होता जा रहा है चार्जिंग स्पीड है डाउन क्यों होती है। सबसे पहली बात, आपका मोबाइल जब नया आता है तो आपके डिवाइस पे कोई भी लोड नहीं होता। दूसरी बात, अब आपके डिवाइस पे काफ़ी ज़्यादा लोड होगा। सबसे पहली बात, फालतू की फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन आपको डिलीट करने के बाद भी आपको क्या करना है, आपके डिवाइस में एक ऑप्शन आता है क्लीनर का, इसे आपको क्लिक करना है और आपके जो एप्लीकेशन के बैकग्राउंड है वो एक तरह से ऑप्टिमाइज एंड क्लीन हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे आपके चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। एंड आपके डिवाइस में एक ऑप्शन आता है रिबूट करने का, उसे भी आप महीने में एक बार कर सकते हो और 8 महीने या साल भर में एक बार अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर सकते हो। आप क्या करते हो, मोबाइल को यूज़ करते हो ना, उसकी जंक क्रिएट होती रहती है, आपकी स्टोरेज ऑटोमेटिक फुल होती रहती है, भले ही आप एप्लीकेशन को डिलीट करो या ना करो, तो आप एक बार रीसेट भी कर दिया करो, इससे आपकी स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है, क्लीन हो जाती है, जो जंक फाइल या वायरस बग वगैरह होती हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं और आपकी चार्जिंग में कोई भी रुकावट नहीं आती है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी लैब का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी लैब में जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप पावर कंजप्शन मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर चेक करने कुछ एप्लीकेशन होंगी, उन्हें आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड रनिंग प्रोबेबिलिटी नीचे वाले पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, वो एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ, जैसे कि इस मोबाइल के पर्टिकुलर ऐप होते हैं प्री इंस्टॉल, उनके कर सकते हो, जैसे कि ड्राइव वगैरह है या कैंपस वगैरह, जो एप्लीकेशन होते हैं जिनकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उन सभी को आपको बैकग्राउंड में बंद कर देने, चौथे वाले पर क्लिक करके वो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे, जिससे आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। फिर से आपको सेटिंग में जाना, आपको बैटरी लैब में जाना दोबारा से, एंड परफॉर्मेंस प्रोफेशनल सेटिंग पे जाना है और बैटरी ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन ऐसे होंगे जैसे कि आपको लगता है कि वो एप्लीकेशन आपकी बैटरी को हीट कर रहे हैं, गेम वगैरह हो सकता है कोई भी या कुछ भी हो सकता है, उस पर आपको क्लिक करके बैटरी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर कर देना है। जैसे आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर लगा दोगे, यहाँ पर देख सकते हो लिखा है बैटरी नॉट ऑप्टिमाइजेशन, तो मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है जैसे कि लिखा है नॉट ऑप्टिमाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर ऑप्टिमाइज पर क्लिक करने के बाद डन करना है। डन करने से क्या होगा, जो भी गेम वगैरह है
जैसे आप गेम वगैरह खेलोगे या वो रन करेगा आपके बैकग्राउंड में, ऑटोमेटिक आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, हीट नहीं होने देगा, हीट नहीं होगा तो आपका डिवाइस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, इससे आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा एनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है। तो आपको इन सेटिंग को फॉलो करना और आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। एक लास्ट में आपको एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपका मोबाइल अब भी स्लो चार्ज हो रहा है, सबसे पहली बात स्टोरेज वगैरह को क्लीन करो, फालतू के फोटो वीडियो ऐप डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद अब भी आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है तो आपको क्या करना है, एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। एरोप्लेन मोड लगाने से आपकी सिम सर्विस भी ऑफ हो जाती है, उस कंडीशन में आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इनहेंस एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो आप इस सेटिंग को भी फॉलो कर सकते हो अपनी चार्जिंग स्पीड को इनहेंस एंड बढ़ाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, इन्हें आपको फॉलो करना है और आपके डिवाइस की चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आई हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।